For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. स्त्री फिल्म और यमला पगला दीवाना दोनों ही एक साथ रिलीज होती हैं दोस्तों 31st of August 2018 को, जहां पर यमला पगला दीवाना को एवरेज ही रिस्पांस मिल रहा है, वहीं स्त्री ट्रेमेंडस तरीके से आगे बढ़ रही है। आइए जानते हैं मंडे को यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन दोनों ही फिल्मों ने कितना बम्पर कमाया। आपको बता दूं, दोनों की ही कमाई में बढ़ोतरी हुई है, जहां पर यमला पगला दीवाना फिर से को नॉर्थ में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, स्पेशली पंजाब हरियाणा साइड, क्योंकि देओल फैमिली की बहुत ज्यादा वहां पर फैन फॉलोइंग है। अगर बात करें तो जो फिगर्स सामने आए दोस्तों, वो 2 से 4 करोड़ के बीच में आए हैं। जी हाँ, ये एक ह्यूज जंप है, क्योंकि जन्माष्टमी की छुट्टी का फायदा मिलता है और जन्माष्टमी के दिन लोग फिल्म देखने गए थे, तो यमला पगला दीवाना देखी लोगों ने। अभी तक जो कलेक्शन आए हैं सामने दोस्तों, वो 8 से 10 करोड़ के बीच में आए हैं, 8.2 to 10.28 करोड़ के बीच में आए हैं। तो यमला पगला दीवाना फिर से ने अपने 4 दिन मिला के इतना बिजनेस कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों स्त्री फिल्म की, क्योंकि उसकी बात करनी जरूरी है। स्त्री फिल्म को दर्शक अप्रिशिएट कर रहे हैं, स्त्री फिल्म में सभी लोगों की एक्टिंग को अप्रिसिएशन मिल रहा है, डायरेक्शन को अप्रिसिएशन मिल रहा है, कॉमिक टाइमिंग वगैरह वगैरह, हॉरर जॉनर सभी को अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों स्त्री फिल्म अपने मंडे वाले दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन कमाती है 9.70 करोड़, जो कि अच्छी बात है, और टोटल मिला के फिल्म ने दोस्तों 41.97 करोड़ का ट्रेमेंडस बिजनेस कर लिया है इंडियन बॉक्स ऑफिस में। स्त्री फिल्म के लिए क्रिटिकली एक्लेम भी मिल रहा है दोस्तों, क्रिटिक्स को पसंद आ रही है फिल्म और दर्शक तो वाहवाही कर ही रहे हैं। धीरे धीरे स्त्री अभी इंक्रीज करेगी दोस्तों, और आराम से अभी अपने जो कॉस्ट है स्त्री की वो तो इसने कवर कर ही लिया है, अब जो मेकर्स हैं वो प्रॉफिट गिनने बैठेंगे। आपने दोनों में से कौन सी फिल्म देखी, आपको दोनों में से कौन सी फिल्म अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातों के लिए मैं हूं राहुल बोझ, अपडेट करता रहूंगा। टेक केयर।